वलीद आयत को लेकर जैसे ही कमरे में आया, आयत उसके सीने से लगकर बहुत सा रोई। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे छोड़ देंगे खान, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वलीद ने आयत के आंसू साफ किए और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ भला, मेहर ने अपनी पसंद से शादी की थी। जिस दिन वो इस हवेली से गई थी ना, तो उसे बहुत ज़्यादा गरूर और मान था खुद पर कि उसने एक बहुत अच्छे हमसफ़र का इंतखाब किया है। सब ने उसे समझाया था और जब उसकी शादी हो रही थी तो बाबा और मैंने उसे कह दिया था कि अब उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो हमारे ख़ानदान की हर रिवायत को तोड़ कर गई है। अब क्यों आई है वो वापस, और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि उसकी बातों में आकर तुम्हें छोड़ दूँगा। वलीद आयत के सामने घुटनों के बल बैठ गया। तुम मेरी जान हो आयत, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उस सब को माफ़ कर दो। तुम जानती हो दादी साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि उनके मर जाने के बाद उनका तख्त कोई ऐसी औरत संभाले जो उनके जैसी ही हो, और जब भी वो तुम्हें देखा करती थी ना, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि मेरी आयत की शादी वलीद से होगी। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि जो औरत मर्द से बड़ी होती है ना, उसका पूरे घर पर राज होता है। वो मर्द को बच्चा ही समझती है अपने आगे। वो बार बार मुझे कहा करती थी कि मेरी आयत मेरी जगह आएगी, तुम्हें शुरू से पसंद करता हूँ आयत मैं, मगर मेरे दिल में एक डर था कि कहीं दादी साहब की तरह तुम भी मुझे बच्चा ना समझने लग जाओ। मैं चाहता था तुम मुझे एक मुकम्मल इंसान समझो, हमारा रिश्ता बराबरी पर हो। फिर जानती हो सब नौकरों के सामने मेरी बहन ने जब तुम्हारे भाई के कहने पर इजहार मोहब्बत किया, बाबा के वो मुलाजिम जो कभी सर नहीं उठाते थे उनके आगे, उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बाबा जानी ने मेरी शादी की रात मुझे कहा था कि तुम्हें मैं सिर्फ शाहबक की बहन समझूं, जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान में उनकी बेइज्जती हुई है। मेहर को तो वो कुछ ना कह पाए, मगर अपनी अना की तस्कीन की खातिर तुम्हें दुख में देखकर वो खुश होते थे, और शायद मैं भी। मगर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो गया है कि जिनकी खातिर मैं तुम्हें सजा दे रहा था, वो तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं आयत। तुम्हें मार कर मैं कभी रातों को नहीं सोता था, मुझे माफ़ कर दो आयत, हमारे बच्चों की खातिर मुझे माफ़ कर दो। आयत ने वलीद का हाथ अपने हाथ में ले लिया। माफ़ी का लफ्ज़ कितना आसान है ना खान, मगर वो ज़िल्लत क्या आप सारी ज़िंदगी की मिटा पाएंगे जो मैंने बर्दाश्त की है? मेरी शादी की पहली रात आपने क्या सलूक किया मेरे साथ? मेरा ख्वाब था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, वो ख्वाब ख़त्म हो गया मेरा, मैं कैद होकर रह गई। क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं थी? दरअसल आप भी सबकी तरह ही खुदगर्ज़ हैं, आप में भी ज़रा सी इंसानियत होती ना तो आप मेरी कदर करते, मुझे मोहब्बत देते, मगर आपने क्या किया? नहीं आयत, ऐसा मत करो, मुझे जो चाहे सजा देना चाहो दे दो, मगर मुझे माफ़ कर दो आयत, बच्चों की खातिर। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे मेरे जैसे हैं या मेरी बेटी का नसीब तुम जैसा निकल आए। आयत वलीद की बात पर हंसने लगी। बात औलाद की आई है ना, इसीलिए आपको भी दर्द हो रहा है। ऐसे ही आपने कभी किसी की बेटी को बहुत सताया है खान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वलीद ने आयत के पांव पकड़ लिए। नहीं आयत, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ लेता हूँ। छोड़े मेरे पांव, ज़रूरत नहीं अब आपको मेरी तरफ लौट कर आने की। प्लीज़ आयत, एक बार एक मौका तो और देकर देखो मुझे, मेरी कमर में सख्त दर्द हो रहा है खान, मुझे लेटने दे, कहीं ऐसा ना हो कि जिन बच्चों की खातिर आपने इस रिश्ते को बेहतर बनाने का सोचा वही ना रहे। नहीं आयत, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें सोना है ना, सो जाओ, हम कल बात कर लेंगे। वलीद ने आयत पर कंबल डाला और उसके बाल सहलाने लगा। आयत उस वक्त हर चीज़ से फरार चाहती थी, इसीलिए थोड़ी ही देर में उसकी आंख भी लग गई। मेहर तो सबके साथ ही बदतमीजी कर रही थी, उसने अपनी सास का जीना हराम कर रखा था, शाहबख्त आखिरकार आ ही गया। शाहबख्त, तुम दोनों ने क्या तमाशा बना रखा है, हमारे ख़ानदान का नाम ख़राब कर दिया है तुम दोनों ने। बाबा जानी शाहबख्त को डांट रहे थे बुरी तरह से। बाबा जानी से वैसे ही शक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये सोच रही है। अब जानते तो हैं ना, हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ ऐसी दोस्तियाँ आम हैं। मैंने इसे कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी।
ये बहुत ऐश में रह रही है हमारे घर में। इसके पास हर चीज़ है, पूछें मैंने कौन सी चीज़ की कमी दी है इसको। झूठ मत बोलें शाहबाग, मैंने खुद उस लड़की को बेहुदा हरकतें करते हुए देखा आपके साथ। आप मुझे चुप नहीं करवा सकते, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, खान खानदान की बेटी हूँ। अगर अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ तो आपको भी सीधा कर सकती हूँ। मेहर जब हमने शादी की थी तो हम में ये बात तय हुई थी ना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हें गुजारने दूंगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। घर चलो, यूँ सबके सामने मेरी ज़ात का तमाशा बनाकर अच्छा नहीं किया तुमने। मैं नहीं जाऊँगी इनके साथ बाबा, कह दें अपने पोते से कि अपनी सेक्रेटरी को ऑफिस से बाहर निकालें। ठीक है, मैं उसे निकाल दूंगा, मगर तुम मेरे साथ चल रही हो। अब बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, हर कोई हमारे बारे में ही बात कर रहा है, मेरे लिए बहुत शर्म का मकाम है ये। बाबा जानी समझा दे इन्हें, मैं इनके सामने कोई आम लड़की नहीं हूँ, आप हर लम्हा मेरे साथ हैं। मेहर हम तुम्हें ब्याह चुके हैं तो अब ये मत समझना कि हर गलत और सही काम में हम तुम्हारा साथ देंगे। इस हवेली में अब तुम बहू की हैसियत से आया करो, यहाँ अब इस हवेली में किसी बेटी की कोई जगह नहीं, क्योंकि हम तुम तीनों को रुखसत कर चुके हैं। मेहर को अभी भी शाहबक पर ही गुस्सा आ रहा था, मगर हकीकत में वो शाहबक को ये दिखाना चाहती थी कि वो कमज़ोर नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था आयत पर, जिसकी वजह से सबके सामने वलीद ने उसकी इतनी बेइज्जती की थी और थप्पड़ भी मारा था, कोई कुछ नहीं बोला था। उसकी नज़र में आयत अपना माँ बनना कैश करवा रही थी, उसने भी सोच लिया था कि वो भी जल्द ही माँ बनेगी ताकि आयत के बच्चों को इस हवेली में तंग कर पाए। वो ये बात नहीं सोच रही थी कि आयत के बच्चे वलीद के भी तो बच्चे होंगे ना। फारिया वापसी पर आयत से मिलने दोबारा आई थी, उसने फारिया को मेहर के मुतालिक सब कुछ बता दिया कि कैसे मेहर चाहती थी कि वो उसे हवेली से निकाल दिया जाए और वलीद ने सबके सामने उसे किस तरह से मारा। ये तो बहुत अच्छा हुआ वलीद भाई ने सबके सामने ही उसको मारा, उसे अपनी औकात पता चल गई होगी ना। तुम बताओ वलीद भाई का रवैया कुछ बेहतर हुआ तुमसे? बहुत हद तक, जब से उन्हें बच्चों का पता चला है सख्ती करना छोड़ दी है उन्होंने। कल उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए थे माफ़ी मांगने की खातिर, तो तुमने क्या किया? मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया, मैं नहीं कर पा रही उन्हें माफ़ फारिया, मुझे बार बार उनका वो रवैया याद आता है जो उन्होंने मेरे साथ रवा रखा। मैं तुम्हें नहीं कहूँगी कि फ़ौरन ही उसे माफ़ कर दो, मगर एक बात कहूँ, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है तुम्हारे साथ, तुम क्या करोगी फिर? अगर फिल्मी हीरोइनों की तरह ये सोचोगी कि अपने बच्चों को लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाओगी तो मेरी बहन बाहर भूखे भेड़िए बैठे हैं जिन्हें किसी इंसान से कोई गर्ज नहीं, तो तुम्हारी औलाद को कोई वो प्यार नहीं देगा जो खान दे सकता है। सबसे बड़ी बात, तुम तो खान बेगम हो, कुछ भी नहीं छोड़ सकती, गुजरा वक्त गुजर गया। हमारी माँ ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मगर हमारे वालिद ने तो माफ़ी नहीं मांगी ना उनसे। मर्द के लिए माफ़ी मांगना, वो भी अपनी बीवी से, और पाँव पकड़ कर, उसकी अना का मसला होता है। सोच लेना आयत, कुछ भी करने से पहले तुम्हारे लिए हर तरफ खाइयाँ ही खाइयाँ हैं। तुम्हारे दादा ने तुम्हें पोती नहीं समझा, अगर वो इतने अच्छे होते तो मेहर को सजा देते, वलीद को ना कहते कि तुम्हें सजा दे। मत करो तुम माफ़ वलीद खान को, मगर मेरी एक बात मानो, मर्द को किसी औरत की तरफ झुकने में देर नहीं लगती, अपने बच्चों से उनके बाप को मत वापस लेना। फारिया ने आयत के हाथ पर हाथ रखा, यही हर तीसरे घर की कहानी थी और फारिया जानती थी कि वलीद में कम से कम बदलने की ख्वाहिश तो है, वरना शायद आयत सोच भी नहीं सकती थी कि जो मेहर चाहती थी अगर वो हो जाता तो क्या होता। मेरी खान के साथ रहने के लिए कुछ शराइत होंगी, रख लो शराइत, मगर ऐसी रखना जो उसके बस में हो। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फारिया के जाने के बाद आयत बहुत देर तक हर पहलू पर गौर करती रही, कहाँ जाती वो अपने बच्चों को लेकर, कहीं भी तो नहीं जा सकती थी, उसके लिए एक ही रास्ता था और वो अब वलीद को अपनाना ही था। वलीद के पेपर्स चल रहे थे जो ख़त्म हो गए थे, वो घर आया तो आयत उसे कमरे में बहुत उदास नजर आई। उसने लाइट ऑन की, ये क्या हाल बनाया हुआ है आयत तुमने अपना, तबीयत तो ठीक है ना?
वलीद आयत की गर्दन पर हाथ रख कर देख रहा था कि सच में वो ठीक है भी या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खान, मुझे क्या होना है। आयत, ऐसी बातें मत किया करो, बच्चों का ख्याल कर लिया करो जो इस वक्त मामा के उदास होने से परेशान हो गए होंगे। खान, एक बात कहनी थी आपसे, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ मगर एक शर्त है मेरी। बोलो आयत, क्या शर्त है तुम्हारी। मैं इस हवेली से चले जाना चाहती हूँ, आप मुझे जहाँ रखेंगे जैसा रखेंगे मैं रह लूँगी। चची और चचा भी हमारे साथ आ जाएं, मगर मैं चाहती हूँ मैं सब चीज़ों से दूर चली जाऊँ। मैं जब भी अपने माँ बाप को देखती हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है जो मैं याद नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप मुझ पर रहम करें और मुझे ले जाएं यहाँ से। आयत, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम जानती हो ना दस्तार मेरे पास है, और अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो बाबा जानी नाराज़ हो जाएंगे। आपको मेरी खुशी अजीज़ है या नहीं बता दें मुझे, आप क्या चाहते हैं। रोज़ रोज़ मैं इस हवेली में मर कर जीऊँ, अब नहीं होता मुझसे कुछ भी, मुझे यहाँ नहीं रहना। आयत, ऐसी बातें नहीं करते वलीद, आप मेरे दर्द का इंसाफ नहीं कर सकते। मैं औरत हूँ ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने आपको माफ़ कर दिया है, मगर आपको फिर भी तकलीफ़ नज़र नहीं आती मेरी। आपकी नाम नेहाद मोहब्बत कहाँ गई, या वो भी एक फरेब था। आयत, प्लीज़ ऐसा मत कहो। ठीक है, करता हूँ मैं बाबा जानी से बात। हमारा घर जो गांव में ही है, दादी साहब को शादी में तोहफा मिला था, वो मुझे दिया था मेरी पैदाइश पर दादी ने, वहाँ जाएंगे हम लोग, मुझे वक्त दो। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझे माफ़ करके आयत। खान, याद रखें मैं वो औरत नहीं हूँ जो रोते धोते शोहर की शिकायतें लेकर मायके चली जाए। मैंने बर्फ़ में गुजरी रात भी भुला दी, मगर उसके ज़ख्म हमेशा बाकी रहेंगे। ये सब इसलिए भूल गई मैं कि मैं अपने बच्चों को आपका प्यार लेते हुए देखना चाहती हूँ। कोई लड़की अगर आपकी ज़िंदगी में मेरे बगैर आएगी ना, तो उसे मैं अपने हाथों से मार दूँगी, याद रखना। वैसे एक लड़की तो आ चुकी है हमारे दरमियान, कौन है वो? हमारी बेटी। मुझे पूरा यकीन है कि एक बेटा है और एक बेटी। मैंने अपनी डोल के लिए बहुत सी चीज़ें लेकर रखी हैं, बस उसके अच्छे नसीब की दुआ भी कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि उसे भी कोई वलीद खान मिल जाए। आयत, प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुमसे मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ, यूँ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया वो मेरा अमल है, मेरी बेटी को मत सजा दो। मैं सारी उम्र कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, बस मेरी बेटी को बददुआ मत देना। आयत को एहसास हुआ कि जब तक खुद पर नहीं गुजरती तो दूसरों का ख्याल नहीं आता। वो जान गई थी कि बेटी लोगों को अपनी ही अच्छी लगती है, हालांकि बेटी तो रहमत होती है सबके लिए। बाबा जानी को वलीद ने कैसे मनाया था, इस बात का इल्म आयत को नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि बाबा जानी ने वलीद को बहुत सी बातें सुनाई थी कि उसे अपने बाप दादा की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, मगर उसने बाबा जानी को ये कह दिया था कि कुछ नहीं होगा अगर ये आयत के साथ अलग घर में रह लेगा तो। वलीद के माँ बाप ने साथ आने से इनकार कर दिया था कि वो अपनी हवेली नहीं छोड़ सकते, मगर जब भी वलीद को ज़रूरत होगी वो मौजूद होंगे। आयत उस वक्त अपना सामान पैक कर रही थी। आयत की वालदा उसके पास आई, वो शायद रोती रही थी। मेरा बच्चा, तू क्यों जा रही है, क्या कोई कमी थी तुम्हें यहाँ हवेली में? मेरी नज़रों के सामने तो रहती थी तुम हर पल, दिल को एक सुकून तो हासिल था कि मेरी बेटी ठीक है। अब इतना दूर जा रही हो तो तुम्हारी खैरियत भी कैसे पता चलेगी? इतना दूर नहीं जा रही, नज़दीक ही तो हूँ, बस आधे घंटे का फासला है। आपका जब दिल चाहे आप मेरे पास आ सकती हैं। खैर, यहाँ इतना पास होकर भी कभी आपने मेरी खबर ही नहीं ली, दूर जाकर भला क्या लेंगी? तू क्यों जा रही है, तेरे बच्चों को मुस्तकबिल में हमारी ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे? बच्चे ख़ानदान में ही अच्छी परवरिश पाते हैं। नहीं अम्मी, मैं अपने बच्चों को इस ख़ानदान में बड़ा नहीं करना चाहती, मेरे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। यकीन करें, जब डॉक्टर ने मुझे बताया था ना, तो कुछ लम्हे मैं परेशान हो गई, मगर फिर मैंने फैसला किया कि जो चाहे मर्जी हो जाए, मैं अपनी बेटी की खातिर ये हवेली छोड़ दूंगी। इस हवेली में अपनी औलाद को रख कर उन्हें दूसरी आयत या दूसरा वलीद हरगिज़ नहीं बनाऊंगी। तू माँ से नाराज़ है बेटा, आयत की वालदा ने उसका हाथ थामा। नहीं अम्मी, औलाद कहाँ नाराज़ हो सकती है, मैं सिर्फ अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रही हूँ। दुआ करें कि मेरे दिल में लगे ज़ख्म जल्द ठीक हो जाएं, वरना शायद मेरी वापसी मुमकिन ना होगी। आयत की वालदा रोने लगी थी बहुत ज़्यादा,
मैं सोचा करती थी कि औलाद माँ बाप की नाफरमान हो तो उसे बहुत सख्त सज़ा मिलती है, मगर अगर माँ बाप औलाद के साथ ज्यादती कर जाएं तो उनकी क्या सज़ा होगी? अम्मी ये सोचना ज़रूर, मैं चलती हूँ, वलीद मेरे मुंतज़िर होंगे। आयत ने सामान को बेड पर ही रखा और बाहर चली गई। सब हवेली वाले जमा थे। बाबा जानी ने आयत को गले लगाना चाहा। बाबा जानी माफ़ कीजिएगा, आप मुझे उसी दिन दफना चुके थे जिस दिन मुझे रुख्सत किया था। आपने अपने पोते को मेरे साथ जो सलूक करने का कहा उसने आपकी इज्जत और एहतराम में मेरे दिल से हमेशा के लिए आपका एहतराम ख़त्म कर दिया। अब तो राख भी बाकी नहीं रही। खैर, दुआओं में याद रखिएगा अपने पोते को। आयत किसी से भी मिले बगैर बाहर चली गई थी जहाँ गाड़ी खड़ी थी। वलीद सबसे मिल रहा था, सामान मुलाजिम गाड़ी में रख रहे थे। आयत ने एक नज़र उस हवेली पर डाली जहाँ उसका बचपन गुजरा था। उस हवेली ने उसे बहुत दुख दिए थे। यहाँ उसका दम घुटता था, यहाँ से जाने का फैसला ही उसके लिए दुरुस्त था और उसे यकीन था कि मुस्तकबिल उसके लिए बहुत अच्छा होगा और उसके बच्चों के लिए भी। महर की बहुत ख्वाहिश थी कि वो जल्दी जल्दी माँ बन जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उसकी वालिदा ने भी उसे यही कहा था कि जितनी जल्दी हो जाए तुम माँ बन जाओ तो तुम्हारे हक में ये बेहतर होगा, उसके बच्चे बाप के पांव की जंजीर बन जाएंगे। वैसे भी उसे जब से पता चला था कि आयत वलीद के साथ हवेली से जा चुकी है, उसके दिल में आग ही लग गई थी कि ये काया पलट कैसे हुई। उसका वो भाई जो कभी आयत की तरफ देखता भी नहीं था, अब आयत के साथ इतनी नरमी क्यों इख्तियार किए हुए था? महर उस वक्त अपनी एक कुलीग के साथ बैठी थी, उसे अपनी रिपोर्ट्स का इंतज़ार था। रिपोर्ट्स आई तो उसे पता चला कि उसके साथ कोई मसला नहीं था। डॉक्टर ने उसे शाहबाग के टेस्ट करवाने का भी कहा। महर को उस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बस उसे आयत को नीचा दिखाना था। वैसे भी तो अब वो हवेली में नहीं थी तो महर के बच्चे ही हवेली में राज करते। आयत सोकर उठी तो शाम का वक्त था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, उसके इर्द गिर्द खामोशी का राज था। फजीला को वलीद ने उसके शोहर और दो बच्चों समेत यहीं बुला लिया था क्योंकि वो बहुत पुराने मुलाजिम थे और आयत के मामले में वलीद उन पर एतबार कर सकता था। आयत किचन में आई तो अपने लिए पानी का ग्लास लेकर बाहर लॉन में ही निकल आई। सर्दी खत्म हो रही थी और अब गर्मी अरूज पर पहल रही थी। उसका वजूद भी अब बहुत भारी हो गया था। उस वक्त वो लॉन की कुर्सी पर बैठे हुए अपने इर्द गिर्द निकले हुए दरख्त देख रही थी जिनको खूबसूरती के साथ यहाँ लगाया गया था। वलीद के साथ रहने का फैसला उसके लिए आसान नहीं था, मगर ये जज्बाती भी तो हरगिज़ ना थी कि किसी फिल्मी हीरोइन की तरह वलीद को छोड़कर चली जाती। वलीद ने उसे कहा था कि अगर वो दोबारा अस्पताल जाना चाहे तो वो जा सकती है, मगर वो कहते हैं ना कि जब इंसान कोई ख्वाब बहुत चाह से देखता है और वो टूट जाए तो वो खुद भी टूट जाता है। आयत भी बिल्कुल ऐसे ही टूट गई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसको तो शायद अब ये भी याद नहीं था कि उसने पढ़ा क्या था। अब वैसे भी उसका दिमाग उस माहौल को कबूल नहीं कर सकता था। उसने अब यही फैसला किया था कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो देगी, उनकी अच्छी परवरिश करेगी, उनके मुस्तकबिल को संवारेगी। वलीद से कोई दिली लगाव नहीं था अब, मगर वक्त अपना मरहम खुद होता है। वक्त शायद कभी उसके दिल में वलीद के लिए मोहब्बत डाल ही देता जो उसने खुद अपने हाथों से आयत के दिल से ख़त्म कर दी थी, मगर उसने कभी वलीद के सामने अपनी नफ़रत का इजहार नहीं किया था क्योंकि वो जानती थी कि उसके वजूद में पल रहे बच्चों को बाप का प्यार मिले। आयत उन्हीं सोचों में गुम थी जब उसकी पेशानी पर वलीद ने प्यार किया। आप आ गए? हाँ आ गया हूँ मैं। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? जी बेहतर है। आप बैठे, मैं अंदर किसी को कहती हूँ आपके लिए खाना लगा दें। तुम बैठ जाओ आयत, इस हालत में ज़्यादा काम मत किया करो। देखो हाथ पांव कितने सूज गए हैं तुम्हारे। ये सब तो नॉर्मल है ना खान, आप तो जानते हैं कि मुझे इस घर में आकर बहुत सुकून मिला है। ऐसा लगता है कि एक बड़े पिंजरे से आज़ाद हो गई। आपने बाबा जानी को कैसे मनाया? वो मेरा मसला है आयत कि मैंने उनको कैसे मनाया। तुम्हारा काम सिर्फ हमारे घर पर ध्यान देना है। ऐसा करो, अंदर आ जाओ अब तुम। मेरा दिल नहीं कर रहा अंदर जाने का, कुछ देर यहीं बैठ जाते हैं ना। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर खाना खाते हैं। वलीद आयत को बाहर ही छोड़कर चला गया। शावर लेकर कमरे में आया तो उसे आयत बेड पर बैठी नज़र आई। आयत अंदर आ गई थी।
वलीद बाल खुश करते हुए उसी को देख रहा था जो अपने हाथों से चूड़ियां नहीं उतार पा रही थी क्योंकि उसके हाथ बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। वलीद कंघी रख कर आयत के पास आया और उसका हाथ थाम कर बैठ गया। खान ना करें प्लीज़, बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है कि हाथ और ज़ख्मी हो जाएंगे। कुछ नहीं होता आयत, तुम ये मत पहना करो, देखो हाथ सूजे हुए हैं तुम्हारे। वलीद ने क्रीम उठाकर आयत के हाथों पर लगा कर चूड़ियाँ उतार ही दी। वलीद ने आयत के सुर्ख पड़ते हाथों पर प्यार किया। उसने वलीद की तरफ देखा, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो शादी की पहली रात आयत की तरफ देखते हुए वलीद को नज़र आई थी। वलीद ने आयत की आंखों की तरफ देखा तो आयत हैरानी से उसकी तरफ देखकर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है आयत जो मैं देखना चाहता हूँ, मुझे वो चमक तुम्हारी आंखों में अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि मेरे छूने पर तुम्हारी आंखों में वही चमक वापस आए। आप वो चमक तो कब की खुद ही ख़त्म कर चुके हैं खान, वो तो मेरी ज़िंदगी थी जिसको आपने ख़त्म कर दिया। अब तो सिर्फ आयत का वजूद है जिसने इस दुनिया में मरने तक ज़िंदा रहना है। ऐसा मत कहो आयत, मैंने पहले भी तुमसे माफ़ी मांगी थी, आज फिर मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, जान भी देने को तैयार हूँ, बस मुझसे नफ़रत मत करो। वक्त बहुत बड़ा मरहम है खान, हो सकता है एक वक्त आए मेरी आंखों की चमक वापस आ जाए, मगर आपको उस वक्त का इंतज़ार करना होगा। क्या आप इंतज़ार कर सकते हैं? मैं हर लम्हा मुंतज़िर हूँ तुम्हारा, तुम जब कहो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कुर्बान कर दूँगा। तुम मेरी आयत हो, बस मेरी आयत। जानती थी कि मुश्किल वक्त बदल गया है और पुराने ज़ख्म वलीद के रवैये से ख़त्म हो जाएंगे, मगर एक कसक हमेशा बाकी रहेगी जो न जाने कब दूर होगी। मेहर शाहबख के साथ खाने की टेबल पर बैठी हुई थी। मेहर ने शाहबख से बात की थी कि वो उसके साथ हॉस्पिटल जाए। बख्त, आप मेरे साथ अस्पताल जाएंगे? क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वैसे ही हमारी सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत काबिल, उनके पास बहुत इलाज होता है बहुत से लोगों का। मैंने उन्हें बताया अपना मसला तो कह रही थी कि आप भी मेरे साथ उनके पास जाएं। मेहर, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं कहीं भी आ जा सकूं ऑफिस के अलावा, तुम खुद ही चली जाना। नहीं शाहबख, आपका जाना बहुत ज़रूरी है, मेरी बात को समझें, आप कल शाम में कोई वक्त नहीं निकाल सकते, बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं आपको कभी ना कहती। अच्छा ठीक है, कल मुझे वक्त मिला तो आ जाऊँगा। अम्मी की कॉल आई थी, कह रही थी कि आयत की डिलीवरी होने वाली है तो हमें गांव में होना चाहिए, पहला बच्चा है हवेली का तो हमें वहीं मौजूद होना चाहिए। बस कर दें शाह, उसका बच्चा हमारे लिए अहम नहीं होना चाहिए, जब पैदा होगा तो देखा जाएगा। आप छोड़ दें ये सब बातें, हमारी बातें बहुत अहम हैं। मेहर नहीं जानती थी कि उसका गरूर खाक में मिल जाएगा कल, क्योंकि जब आप किसी को तकलीफ़ देते हैं ना, और वो भी बिला वजह, तो किस्मत आपका खूब सारा इम्तहान भी तो लेती है ना फिर।